वेलकम बैक गाइज। आज हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का पार्ट 10 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करें या प्रेशर को चेंज करें, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएं या घटाएं और प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं, तो उससे मैटर की जो स्टेट है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमें पढ़ना है इवेपोरेशन के बारे में। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? अगर हमें मैटर की स्टेट को चेंज करना है, मतलब मैटर की स्टेट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो क्या हमें जरूरी है कि हीट देनी ही पड़ेगी या प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा? मतलब अगर मैं इसको दूसरी तरीके से कहूं, तो अगर हमें मैटर की स्टेट को चेंज करना है, तो क्या हम बिना हीट दिए या बिना प्रेशर चेंज करे मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट्स फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? अब हमने क्या पढ़ा है कि लिक्विड को अगर हम हीट देते हैं तो वो बॉइल होना शुरू होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लू वाटर का, तो वाटर बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होना शुरू होगा, उस टाइम पे क्या होगा, जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि आपके पास डेली लाइफ में कोई ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे? मतलब हमने लिक्विड को हीट नहीं दी, लिक्विड को हमने कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं करी, तो क्या वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे हुए? वॉटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इंटू वेपर्स। अगर हम किसी वाटर को अनकवर्ड छोड़ दें, मतलब जैसे मैंने एक गिलास लिया और गिलास के अंदर मैंने वाटर भर दिया और उसको ऊपर से मैंने कोई भी ढक्कन नहीं लगाया, तो होगा क्या, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वाटर, उस टाइम पे हमने वाटर कोई हीट नहीं दी, ना ही वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वहां तक टेम्परेचर गया, मतलब बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे हुए वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, जो गीले कपड़े होते हैं वो भी सूख जाते हैं। मतलब होता क्या है, जो गीले कपड़े रहते हैं उनमें भी जो लिक्विड रहता है या वाटर जो रहता है उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता है, पर तभी भी जो गीले कपड़ों में जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और उससे जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपेंड टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल्स? मतलब इन दोनों एग्जाम्पल्स में, जो पहला एग्जाम्पल था वो हमने लिया था कि अगर हम वाटर को अनकवर्ड छोड़ दें तो वाटर धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था अगर गीले कपड़े हैं वो भी धीरे धीरे सूख जाते हैं बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे हुए। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में वाटर के साथ क्या हुआ, चलिए अब इसको आगे पढ़ते हैं। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। अब हमें पता है मैटर के पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि मैटर के पार्टिकल जो रहते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट पे नहीं रहते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, मतलब एक गिवन टेम्परेचर पे, मतलब हम एग्जांपल ले लें रूम टेम्परेचर का जो कि होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें अगर गैस लिक्विड और सॉलिड है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे मैं बात करूं सॉलिड की, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, और अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज्यादा होती है, और अगर मैं बात करूं गैस की, तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो किसी भी गिवन टेम्परेचर में जो गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी से मूव करते रहते हैं। इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इन टू वेपर्स। अब यहां पे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको ये बात। देखिए एक बीकर है, इस बीकर में हमने रखा हुआ है वाटर या लिक्विड, तो लिक्विड का जो सरफेस है वो ये है, मतलब वाटर का जो सरफेस है वो ये है। अब वो कह रहा है जो वाटर के या लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब यहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में होते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो थोड़ा ज्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें अंदर के पार्टिकल्स से। तो होता क्या है
इन पार्टिकल्स की, जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो थोड़ा ज्यादा रहती है। इस वजह से वो क्या करती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है पार्टिकल्स के बीच में, मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल होगा और यहाँ पे एक और पार्टिकल होगा, यहाँ पे और पार्टिकल होंगे, तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्योंकि हमें पता है मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पर लेकिन सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है सरफेस पे पार्टिकल्स की लिक्विड के, वो थोड़ा ज्यादा होती है। उस वजह से क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स रहते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं और ये पार्टिकल्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में। हम बात कर रहे हैं सरफेस के पार्टिकल्स की, हम बल्क के पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं। दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो यहां पे एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी टेम्परेचर में, एट एनी टेम्परेचर, पर वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, तो उस फिनोमिना को बोला जाता है इवेपोरेशन। अब इसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं वॉटर का। जैसे बीकर है, इस बीकर में मैंने वाटर को भर दिया। अब जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होंगे। हमने वाटर को कोई भी हीट नहीं दी है और ना ही वाटर का जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है उस तक वाटर का जो टेम्परेचर है वो नहीं पहुंचा। हमने वाटर को कोई भी हीट नहीं दी, तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में जब वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसी को बोला जाता है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो किसी भी टेम्परेचर में हो, पर वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, तो उसी फिनोमिना को बोलते हैं इवेपोरेशन। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। तो इसको समझते हैं एक एक्टिविटी से। तो बात करते हैं एक्टिविटी 1.14 की। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें 5 ml वाटर डाल देना है। एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। और उस टेस्ट ट्यूब को जिसमें 5 ml वाटर है उसको या तो हमें खिड़की के पास रख देना है या चलते हुए फैन के नीचे रख देना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। और 5 ml और वाटर लेना है हमें और उसको हमने ओपन चाइना डिश में डाल देना है, मतलब चाइना डिश के अंदर हमने 5 ml वाटर डालना है और ऊपर से उसको ढकना नहीं है, मतलब कोई भी कवरिंग हमने ऊपर से नहीं करनी है। कीप इट नियर अ विंडो और उसको भी हमें खिड़की के पास रख देना है या चलते हुए फैन के नीचे रख देना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और ऑन ए शेल इन योर क्लासरूम। अब हमें क्या करना है, 5 ml वाटर लेना है और उसको चाइना डिश में रखना है और उस चाइना डिश को हमें किसी अलमारी के अंदर रख देना है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। थर्मामीटर की मदद से हमको रूम टेम्परेचर को मेजर कर लेना है। रिकॉर्ड द टाइम और अ डे टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। ये जो सारे केसेस हमने लिए थे उसमें हमें देखना है कि कितना टाइम लगता है वाटर को इवेपोरेट होने में, मतलब कितना टाइम लगता है या कितने डेज लगते हैं वाटर को इवेपोरेट होने में इन सारे अबव केसेस में। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब इस एक्टिविटी में जो 3 स्टेप्स हमने करे थे उसको हमें एक बार रेनी डे में करना है, मतलब बारिश बरसात के टाइम पे करना है और तब हमें ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। व्हाट डू यू इन्फेयर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी या स्पीड ऑन इवेपोरेशन। तो क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का, विंड स्पीड या विंड वेलोसिटी का इवेपोरेशन पे, चलिए उसको आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद। अब हमने एक्टिविटी में देखा है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज होता है अन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। अन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर हम ह्यूमिडिटी को घटाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। अन इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर हम विंड स्पीड को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो चलिए अब हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ते हैं। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। हमें पता है जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है। तो इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं बीकर का
उस बीकर में मैंने भर दिया वाटर, तो वाटर के जो पार्टिकल्स जो सरफेस पे हैं, मतलब वाटर के पार्टिकल्स जो एयर के कांटेक्ट में हैं, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं इवेपोरेशन में। तो इसीलिए सरफेस के पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं इवेपोरेशन में, इसीलिए इवेपोरेशन को बोला जाता है सरफेस फिनोमिना। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग को बोला जाता है बल्क फिनोमिना, क्योंकि बॉइलिंग में जो बल्क के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो यहां पे एक डिफरेंस आता है कि इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है, और बॉइलिंग जो होता है वो बल्क फिनोमिना होता है। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना इसलिए होता है क्योंकि इवेपोरेशन में जो लिक्विड के सरफेस में जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स एयर के कॉन्टेक्ट में हैं, वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। पर अगर मैं बात करूं बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग में जो बल्क में पार्टिकल्स होते हैं, वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अगर सरफेस एरिया को हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। अब इसको समझते हैं पीछे की उस एक्टिविटी से जो हमने अभी देखी थी। तो इसमें हमने क्या किया था, एक्टिविटी में हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी और उसमें 5 ml वाटर डाल दिया था। उसके बाद हमने क्या किया, 5 ml वाटर हमने चाइना डिश में डाल दिया था। तो हुआ क्या, जो टेस्ट ट्यूब होती है उसका सरफेस एरिया कम होता है, और जो चाइना डिश होती है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो जो चाइना डिश है उसमें जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टेस्ट ट्यूब, क्योंकि टेस्ट ट्यूब का जो सरफेस एरिया वो कम है और चाइना डिश का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्यों बढ़ता है। तो देखिए होता क्या है, अगर मैं बात करूं टेस्ट ट्यूब की, तो टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया है कम, तो इस वजह से क्या हुआ, जो सरफेस में वाटर के सरफेस में जो पार्टिकल्स हैं, जो एयर के कांटेक्ट में हैं, वो भी कम है। पर अगर मैं इसी वाटर को चाइना डिश में डाल दूं, तो चाइना डिश का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, तो उस वजह से क्या होगा, जो एयर के कॉन्टेक्ट में पार्टिकल्स होंगे वाटर के, वो ज्यादा होंगे। तो जितने ज्यादा वाटर के पार्टिकल्स एयर के कॉन्टेक्ट में होंगे जो सरफेस पे हैं, उसी से क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। मतलब जितने ज्यादा पार्टिकल्स एयर के कांटेक्ट में होंगे, उतने ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट करेंगे और उतना ज्यादा ही रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप, वी स्प्रेड देम आउट। अब क्या होता है, अगर हम गीले कपड़ों को ऐसे गोला बना के रख दें तो वो जल्दी से नहीं सूखेगा, पर अगर हम गीले कपड़ों को फैला के डालें तो होगा क्या, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, कपड़ों का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जब कपड़ों का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उससे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा और उससे कपड़े जल्दी सूखेंगे। अब बात करते हैं इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इन टू द वेपर स्टेट। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लू इसका, मैंने बीकर लिया, इस बीकर में मैंने भर दिया है वॉटर। अब वाटर को मैं नीचे से क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, मतलब वाटर को मैं हीट दे रहा हूं और वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उससे क्या होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं जो एयर के कांटेक्ट में हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो जब उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो जल्दी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा जो है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो उतनी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। इसीलिए टेम्परेचर के इंक्रीज से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसी को बोला जाता है ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब किसी गिवन टेम्परेचर पे, मतलब किसी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे जो एयर होती है वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही होल्ड करके रख सकती है। इसको समझते हैं हम एक एयर के एग्जाम्पल से। जैसे मैं बात करूं एयर की, तो जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, और ये स्पेस जो होता है वो फिक्स होता है फिक्स टेम्परेचर पे। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो ये जो स्पेस है ये भी चेंज नहीं होगा, मतलब एक फिक्स स्पेस रहेगा। तो इस फिक्स स्पेस में फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही आ पाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लू 1 kg पॉलिथिन का, और उस 1 kg पॉलिथिन में आप 1 kg क्वांटिटी ही डाल सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है या किसी गिवन टेम्परेचर पे जो एयर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वो भी फिक्स है, अगर वो स्पेस फिक्स है तो उस स्पेस में फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही आ पाएगी। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर
एयर में जो वाटर प्रेजेंट है वो पहले से ही ज्यादा है, तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को बोला जाता है ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा, इसलिए हमको क्या करना है, ह्यूमिडिटी को कम करना है जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं इंक्रीज इन विंड स्पीड की। इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। अगर ऐसा दिन है जिसमें हवा बहुत तेजी से चल रही है तो उस दिन क्या होगा, जो गीले कपड़े होंगे वो जल्दी सूखेंगे, ये हम सबने देखा है। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड इंक्रीज होगी द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। विंड क्या करेगी, जो एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर्स हैं उसको आगे मूव कर देगी, जिससे आसपास की जो सराउंडिंग है वहां पे वाटर वेपर का अमाउंट कम हो जाएगा, मतलब ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कपड़े का, जिस कपड़े को मैंने सुखाने के लिए रखा है, अब हुआ क्या, इस कपड़े में जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, और वो वाटर वेपर कहां जाएगा, एयर में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो स्पेस है उसमें ये वाटर वेपर जाएगा। इससे क्या होगा, आसपास की जो एयर है वो ह्यूमिड हो जाएगी। अब हमें पता है ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन घटता है, पर क्या होगा, जैसे ही विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो विंड क्या करेगी, इस ह्यूमिड एयर को आगे पहुंचा देगी, जिससे यहां पे फिर से ड्राई एयर आ जाएगी, मतलब ह्यूमिडिटी यहां पे कम हो जाएगी, जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। विंड स्पीड इंक्रीज होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है।